हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं एक और नए वीडियो में। ये वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले गाइस आपने कैसे देखा, गोडज़िला हमें इरंगल मैप के ऊपर देखने को मिला, इसके साथ ही मेका गोडज़िला हमें लिविक मैप के ऊपर देखने को मिला जो कि गाइस कतई ओपी था। लेकिन बहुत सारे बंदे फिर कमेंट कर रहे थे हमें किंग कॉन्ग क्यों देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि किंग कॉन्ग हमें कहाँ देखने को मिलेगा और उसके साथ ही ये किंग कॉन्ग क्या क्या कर सकता है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किए हो कमोन गाइस लाइक कर दो, और न्यू बंदे हो तो कमोन यार सब्सक्राइब तो बनता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले वाला वीडियो में देखा कि कैसे हमें गोडज़िला देखने को मिला, वो भी इरंगल मैप के अंदर। भाई क्या ही एनिमेशन था जब हम लोग स्पॉन आइलैंड में रहते हैं और उस समय का गोडज़िला, भाई सब क्या ही मजा। तो सेम ऐसे ये भी है गाइस, ये जो किंग कॉन्ग है वो हमें सेनोक मैप के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा ग्लोबल वर्जन में क्या था, कुछ नहीं था, कुछ चेन उन थे और इसके साथ ही एक छोटी सी जो बच्ची थी गोडज़िला वर्सेस कॉन्ग में, जो मूवी में छोटी सी बच्ची जिसका हाथ में एक कॉन्ग का पुतला रहा था, वही हमें देखने को मिला था, वो भी भान पर, और इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर हम गेम फॉर पीस की बात करें तो यहाँ पर गाइज देख लो बड़ा सा कॉन्ग हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि गोडज़िला था सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये भी गाइज ऐसे ही चलता है जैसे गोडज़िला चलता था। ओके, तो यहाँ पर देख लो गाइज, ऐसा लग रहा है जैसे कि यही हीरो है, सेनोक मैप का यही राजा है। यहाँ पर जैसे गाइज हेलीकॉप्टर आता है बहुत सारा, तो देख लो गाइज कैसे पटक के फेंक देता है भाई सब। और इसके साथ ही आप अगर उस समय देख रहे हो तो आपका करेक्टर भी हिल जाएगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप पूरा का पूरा धरती जो है वो हिल रहा है। तो देख लो गाइज भाई साहब क्या ही इतना बड़ा हमें किंग कॉन्ग यहाँ पर देखने को मिला है गाइज। इस किंग कॉन्ग का एनिमेशन की बात करें तो भाई साहब सच में ये गोडज़िला से तो कतई ओपी, मुझे मतलब कि गोडज़िला के कंपेयर से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो हेलीकॉप्टर मारने वाला जो सीन है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें भी वैसे ही है जैसे मैप में साइन रहते थे ना, 5 या 6 साइन, वैसे ही आपको सेनोक मैप के अंदर भी देखने को मिलेगा। पहला तो गाइज आपको किंग कॉन्ग का साइन देखने को मिलेगा, मतलब कि कहाँ किंग कॉन्ग स्पॉन होगा, इसके साथ ही उसका रूट आपको पता चलेगा। ओके, और इसके साथ ही जो क्रेब हमें देखने को मिल रहे थे वैसे ही गाइस सेनोक मैप के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो किंग कॉन्ग आप देख रहे हो सेम एज जैसे गोडज़िला चलता था, जैसे वर्क करता था, वैसे ही सेम एज इसमें भी है गाइस। बस एक जगह से स्पॉन होगा, उसके बाद दूसरा जगह तक जाएगा। और सपोज मान लो किंग कॉन्ग जा रहा है और उसके बीच में अगर आप आते हो तो आप वहाँ मर भी सकते हो, मतलब कि अगर उसके पैर के नीचे आप आ जाओगे, मतलब कि कोई गाड़ी लेके, बग्गी लेके या कोई भी व्हीकल लेके, तो आप वहाँ पर मर भी सकते हो। ऐसे ही गाइस गोडज़िला का भी है, अगर आप गोडज़िला के सामने आते हो तो वो कुछ नहीं करेगा, बट गाइस जब चल रहा होगा और उसके सामने अगर आप आते हो तो ऐसे ही गाइस मार दिए जाओगे, यानी कि आप यहाँ पर मर सकते हो, नॉकआउट भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये गोडज़िला गाइस हमें गेम फॉर पीस में ही अभी तक देखने को मिला है। ये भी गाइस वीटा वर्जन का है, ये अभी तक फाइनल वर्जन में नहीं आया है, ये जल्द ही आने वाला है। और यहाँ पर गाइस ग्लोबल में हम कोई तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको पिछला वीडियो में ही बोला था हमें गाइस ग्लोबल में कुछ नहीं देखने को मिला था। थोड़ा बहुत जो देखने को मिला था वही साइन फुटप्रिंट देखने को मिला था, स्कूल का जो वाल था वो थोड़ा सा ब्रेक हो चुका था, यही कुछ चीज़ है। और इसके बाद मुझे लगता है ग्लोबल में कुछ आउटफिट आएगा और इससे ज़्यादा और कुछ आने वाला नहीं है। बट गाइज ये जो आप गेम फॉर पीस वाला वीडियो देख रहे हो इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि अभी मैं आपको इससे पहले दिखाया था कैसे गोडज़िला का दिखाया था इरंगल मैप के अंदर, साथ ही साथ लिविक मैप के ऊपर। अब गाइज ये जो है वो सेनोक मैप के ऊपर देखने को मिला है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और भी मोड आया है, मतलब कि चेयर पार्क जैसे मोड है, आप वहाँ जाके रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस मोड का भी वीडियो गाइज मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मतलब कि वो एज ए फन वाला वीडियो है, मतलब कि एक अलग ही मोड है। भाई इतने सारे मोड लाते हैं गाइस कि आप बोलो ही नहीं। अब देखते हैं गाइस वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसे टाइप से या कुछ इस टाइप से रिलेटेड, मतलब कि ऐसे इवेंट हमें क्या ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेगा, या फिर ये जो फुटप्रिंट है बस इतना में ही ये इवेंट खत्म हो जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। और गेम फॉर पीस तो गाइस अलग ही भाई साहब अलग ही नशे हैं। और एक चीज़ गाइस, काराकिन मैप हमें देखने को मिलेगा, और कब देखने को मिलेगा मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, आप वैसे गेस करके बता देना मुझे कि काराकिन हमें
कब देखने को मिलेगा। तो ये था गाइज गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला इवेंट, जो कि गाइज हमें गेम फॉर पीस पर देखने को मिलेगा, मतलब कि अभी बीटा में है और जल्द ही फाइनल वर्जन में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, वैसे ग्लोबल में कुछ वैसा अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी गाइज इन्फॉर्म कर दूंगा। ग्लोबल में गाइज अभी दो चीज़ आने वाला है, पहला तो गाइज काराकिन में, और इसके साथ ही ये जो एक क्लाउन्स इवेंट था मैं आपको बहुत पहले बताया था जब वीटा वर्जन में आया था, मतलब कि एक क्लाउन टाइप से शॉप था, मतलब कुछ कॉइन कलेक्ट करना पड़ता था, इसके साथ ही वहाँ हम क्लाउन शॉप पर जाके कुछ बैकपैक, लेवल 3 का हेलमेट और एमओ ऐसा कुछ परचेज कर सकते थे। तो वो इवेंट और काराकिन मैप, ये ही दो चीज़ अभी फ़िलहाल तो हमें ग्लोबल वर्जन पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ग्लोबल में कुछ और आइडिया नहीं है, अब देखते हैं क्या कुछ होता है। और उसके बाद मुझे लगता है अप्रैल तक में शायद ये वीकेंडी का जो वीटा वर्जन है वो हमें शायद से, जहां तक मुझे लग रहा है, वो गेम फॉर पीस पर देखने को हमें मिल सकता है। चांसेस तो है गाइज, सबसे पहले तो गेम फॉर पीस पर ही हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं गाइज क्या होता है। वैसे वीडियो कैसे लगा गाइज लाइक और कॉमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो गाइज मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियोज के साथ, और अभी के लिए गाइज गुड बाय एंड लव यू ऑल।